नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ 20 दिसंबर को यूपी में प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुजफ्फरनगर के सादात हॉस्पिटल के संचालक मौलाना असद रजा हुसैनी और वहां रहने वाले कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों और मौलाना पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। मौलाना असद रजा हुसैनी के परिवार वालों ने बताया कि हुसैनी को किताबें लिखने के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुजफ्फरनगर में 20 दिसंबर को मीनाक्षी चौक पर हिंसा हुई थी। उसके पास ही मदरसा है। मदरसे से जुड़े पूर्व सांसद सईदुज्जम्मा के बेटे सलमान सईद का कहना है कि पुलिस जबरन मदरसे में घुसी, 72 साल के मौलाना असद रजा हुसैनी और 40 छात्रों को पीटते हुए अपने साथ ले गई। मौलाना के शरीर पर घाव है, हाथ में फ्रैक्चर है। अब इनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पुलिस इस तरह के आरोपों को खारिज कर रही है। मदरसा के स्टाफ नईम ने बताया कि करीब 200 पुलिसकर्मी परिसर में जबरन घुसाए थे। उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उस पर हमला कर रहे थे। नईम के मुताबिक पुलिस इस दौरान छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श रही थी। उनका कहना है कि हुसैनी हमेशा लोकल पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखते थे और दूसरों के लिए जीते थे। वो बेकसूर हैं, फिर भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया गया। उधर पुलिस का कहना है कि 50,000 लोगों की भीड़ थी जो पुलिस पर हमला कर रही थी, और जब उन्होंने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की तो कुछ लोग मदरसे में चले गए। पुलिस के मुताबिक उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी परिसर में आई और वहां से 70 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मदरसा मैनेजमेंट ने जिन छात्रों की पहचान की थी उन्हें छोड़ दिया गया है, लेकिन मदरसा स्टाफ का कहना है कि पुलिस ने 28 छात्रों को ही छोड़ा है, बाकी 11 छात्रों को जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि इस फोटो में जो बुजुर्ग हाथ में पत्थर फेंकता नजर आ रहा है अपने हाथ से, वो कोई और नहीं मौलाना असद हुसैनी है। लोग फोटो शेयर करके मौलाना हुसैनी को भला बुरा कह रहे हैं। बूम ने इसका फैक्ट चेक किया, जिसके बाद ये साफ हुआ कि फोटो में नजर आ रहा बुजुर्ग कोई और है, हुसैनी नहीं है। और ये तस्वीर भी कानपुर की है, जो मुजफ्फरनगर से 500 किलोमीटर दूरी पर है। अब सवाल ये है कि फोटो है किसकी। फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि ये 22 दिसंबर को हिंदुस्तान टाइम्स के लखनऊ एडिशन में छपी थी, और खबर की हेडिंग से साफ है कि ये तस्वीर कानपुर में हुए प्रोटेस्ट की है। बूम ने इस फोटो की और जानकारी के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के उस फोटो जर्नलिस्ट से बात की जिसने ये क्लिक की थी। उसने भी इस बात की पुष्टि की कि ये फोटो कानपुर के यतीम खाना रोड की है। हालांकि उस आदमी का नाम नहीं पता चल पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना हुसैनी को पुलिस ने 20 दिसंबर को हुए प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया था और 21 दिसंबर की रात उन्हें छोड़ा था, जबकि वायरल फोटो 22 दिसंबर की है। हुसैनी के बेटे के मुताबिक उनके पापा को पुलिस कस्टडी में इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं। वो कानपुर के प्रोटेस्ट में हिस्सा कैसे लेंगे। अगर आप इस मसले पर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी उमा ने। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे हैं राशिद और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। शुक्रिया।